हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे वुमेन्स आईपीएल यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग के मैच के बारे में। और ये मैच खेला जाएगा दिल्ली वुमेन्स और यूपी वॉरियर्स वुमेन के बीच में। तो दोनों टीम में से आज के मैच में कौन सी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है और कौन सी टीम एक वीक टीम है, इस टॉपिक पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि दोनों टीम की तरफ से किन गेंदबाज को लेकर चलना है और किस बल्लेबाज को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना, और पिच की कंडीशन क्या है, क्योंकि कल भी हमने पिच की कंडीशन को देखते हुए अपनी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन बेस्ट चुने थे। और डेथ ओवर में कौन सा बॉलर बॉलिंग करता है, ये सारी जानकारी आपके लिए आगे चलकर कंप्लीट दी जाएंगी। और एक बात याद रहे, पिच की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एक बेहतर टीम बनाने के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं इस मैच की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो गाइस, ये वेन्यू है डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी मुंबई, और यहाँ की जो पिच है वो एक बैटिंग ट्रैक पिच है। यहाँ पर आपको अच्छे खासे स्कोरिंग बनते नजर आएंगे, लेकिन पेसर्स भी इस वेन्यू पर विकेट निकाल लेता है, लेकिन सेकेंड इनिंग में कहीं ना कहीं स्पिनर का भी रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन दो लास्ट मैच खेले गए हैं इस वेन्यू पर, जो टीम पहले बल्लेबाजी की है उसने एक मैच विन किया, जिसने चेज किया है उसने भी एक एक विन किया। तो इक्वली परफॉर्मेंस रहा दोनों टीम्स के लिए, अगर टीम के पास अच्छे बैट्समैन हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको जो टीम टॉस जीतेगी वो टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करेगी, क्योंकि मेरा मानना भी यही है कि यहाँ पर जो टीम बैटिंग करेगी तो वो बैटिंग करने के साथ बाद में इजीली विन कर सकती है। और यहाँ पर फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर आपको 180 प्लस देखने को मिलेगा वुमेन्स मैच में। अगर वुमेन्स मैच में 180 प्लस आपको पहली इनिंग में देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब एक हाई स्कोरिंग वेन्यू, और आप उम्मीद कर सकते हो कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को जो टेक्निकली साउंड हो कैप्टन और वाइस कैप्टन आराम से बना सकते हो। अगर वो एक दो ओवर भी करे तो एक इंपॉर्टेंट रोल और निभाता है, तो इसलिए आप उन्हें बना सकते हो। ओके, लेकिन लास्ट दो मैच इस वेन्यू पर खेले गए हैं उनमें किस तरह स्कोरिंग पैटर्न निकल कर आया वो मैं आपके लिए बता दूँ। वुमेन्स आईपीएल का फर्स्ट मैच इस वेन्यू पर खेला गया था, मुंबई वुमेन्स ने 207 रन बनाए, पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ही विकेट गिरे, लेकिन गुजरात वुमेन उस मैच को चेज नहीं कर पाई और ऑल आउट हो गई 15 ओवर में 64 रन पर। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जो टीम स्ट्रांग है वो अच्छा कर सकती है और अपने टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को अच्छा परफॉर्मेंस करवा सकती है। ओके, लेकिन यहाँ पर विकेट गिरे 15, इस वेन्यू पर 3 फास्टनर निकाले और 11 स्पिनर्स ने निकाले। सेकेंड इनिंग में आपको स्पिनर का रोल देखने को मिला इस मैच में। ओके, लेकिन लास्ट जो तीसरा मैच इस वेन्यू पर खेला गया था वो गुजरात वुमेन और यूपी वुमेन्स के बीच में खेला गया था। गुजरात वुमेन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन पर 9 विकेट गवा दिए थे 20 ओवर में, लेकिन यूपी ने उस मैच को इजीली चेज कर लिया, 19.5 ओवर में 7 ही विकेट गिरे, लेकिन 13 विकेट गिरे टोटल, जिनमें से 9 विकेट फास्ट को मिले और 4 स्पिनर को मिले। तो दोनों तरफ से आपको बैलेंस परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं इस वेन्यू पर मतलब इस मैच में फास्ट का रोल देखने को मिला और यहाँ पर 4 स्पिनर्स ने निकाले, तो इसका मतलब है कि स्पिनर भी इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। लास्ट दो मैच में टोटल 28 विकेट गिरे, 12 फास्ट ने निकाली और 15 स्पिनर्स ने निकाली। तो स्पिनर का रोल ऐसा नहीं कि कम हुआ है बल्कि ज़्यादा ही हुआ है। तो स्पिनर और फास्ट दोनों आपको इस वेन्यू पर अच्छा परफॉर्मेंस करते नजर आएंगे, लेकिन कौन किस तरह का स्पिनर इस वेन्यू पर विकेट निकालते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, अब हम बात करते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप क्या हो सकती है, मतलब विद बैटिंग ऑर्डर के साथ। तो गाइस, दिल्ली कैपिटल पिछले मैच में अपनी यही लाइनअप उतारी थी विद बैटिंग ऑर्डर के साथ। मैग लैनिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप क्लास प्लेयर है, जो टिककर खेलने वाले प्लेयर से कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर आप बनाते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेहतर कर सकती है। सैफ अली वर्मा इस टीम की तरफ से ओपनिंग करते नजर आएंगे, और आप जानते हो कि सैफ अली वर्मा कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस है और काफ़ी अच्छा खेलती है, मतलब हिटिंग भी काफ़ी अच्छी करती है। तो अगर आपको ये 30 रन भी बना के दे दें तो इसका मतलब ये है कि ये कम से कम 45 पॉइंट तो फिर भी दे जाएगी। तो दोनों बेहतर हैं, टेक्निकल साउंड है, तो आप दोनों को पिक कर सकते हो। मैरिजिना काप एक बेहतर ऑलराउंडर है, बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से पॉइंट देगी। आई थिंक मेरे हिसाब से ना कैप्टन वाइस कैप्टन के बेस्ट विकल्प है आपके पास, आप इन्हें बना सकते हो। जेमिमा रोड्रिगोज है जो कि इंडियन टॉप क्लास प्लेयर है, तो इन्हें पिक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये टेक्निकली परफॉर्मेंस करती है। अलाइस कैप्सी मुझे काफ़ी पसंद है, वो बात अलग है इसकी बैटिंग नहीं है, लेकिन बॉलिंग और बैटिंग दोनों से पॉइंट दे सकती है, तो इनको हम ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। तानिया भाटिया है, विकेट कीपिंग करते नजर आएगी, मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। जेस जोनासन जो कि अपने स्पिनर्स के लिए काफ़ी
बेहतर है और WBBL में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया भी है। अनुदत्त रेड्डी है, शिखा पांडे है, राधे यादव, तारा नॉरिस है, ये बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपको देखने मिलेंगी। जब मैं आपके लिए बॉलिंग स्टेट दिखाऊंगा तब इनमें से भी आप बेहतर चूज कर सकते हो। लेकिन बैटिंग सेक्शन में आपके टॉप फोर देखने मिलेंगे, इन टॉप फोर को आप बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करेंगे। ओके, तो आज के मैच में लेकर चलेंगे। वैसे दिल्ली कैपिटल्स पिछले मैच अपना विन करके आ रही है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स इस मैच में एक स्ट्रॉन्ग टीम देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं ओपनर बॉलर शिखा पांडे आपको एज ए ओपनिंग बॉलिंग करते नजर आएगी और यहां से मैरिजना काप भी, और डेथ में आपको जेस जोनासन, तारा नॉरिस, शिखा पांडे भी आपको डेथ में बॉलिंग करती नजर आ सकती है। तो अब हम बात करते हैं बॉलिंग स्टेट्स। तो दोस्त मैं आपके लिए बता दूं, शिखा पांडे ने पिछले मैच में 4 ओवर किए, एक विकेट निकाली। अब आप यहां से ये देख सकते हो कौन कौन से ओवर इसने किए हैं, जैसे फर्स्ट ओवर, थर्ड ओवर और यहाँ से 14 ओवर और यहाँ से 20 ओवर, मतलब डेथ में इसने बॉलिंग की थी। अगर 20वां ओवर ये कर रही तो इसका मतलब विकेट आने का चांसेस ज़्यादा हैं इसके पास। मैरिजना काप ने 4 ओवर की लेकिन विकेट लेस रही, एक सेकंड ओवर किया, 9th, 12th और 17 ओवर किया। तो ऐसे ही आप यहाँ जेस जोनासन के देख सकते हो, इसने जो बॉलिंग की है वो किस किस ओवर, मतलब कब कब इसने बॉलिंग की है। कैप्सी ने 2 ओवर किए लेकिन दोनों ओवर में विकेट निकाली, मतलब इसने 5 और 7 ओवर किया। ओके, फिर राधा यादव ने, मतलब राधा यादव ने एक बेहतर बॉलिंग मैं इसके पास मानता हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय से नहीं इसकी बॉलिंग में इतना ज़्यादा सुधार नहीं आया। तारा नॉरिस है, आप देख सकते हो इसने 4 ओवर किए, यहाँ पर 5 क्यों मेंशन कर दिए, 4 ओवर किए इसने और इसने 5 विकेट निकाली, 11वां ओवर, 13वां ओवर, 15वां ओवर, 18वां ओवर। तो यहाँ से पता चलता है कि ये बॉलिंग करने के लिए बाद में आती है, 10 ओवर कंप्लीट होने के बाद। तो आप इन्हें कैप्टन, वाइस कैप्टन बना सकते हो क्योंकि 18वां ओवर का मतलब है डेथ में बॉलिंग कर लेती है। ओके, तो आप इनको इंपॉर्टेंट रोल नहीं दे देना। तो यहाँ बॉलिंग सेक्शन जो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, तारा नॉरिस मेरी पहली चॉइस, मैरिजना काप सेकंड चॉइस, जेस जोनासन इनको भी लेके चलेंगे। अब यहाँ से आपके पास ऑप्शन निकल कर आता है ग्रैंड लीग के लिए, शिखा पांडे जिनको आप अपनी टीम में ले सकते हो। अगर ये टीम पहले बॉलिंग कराती है तो शिखा पांडे को आप अपनी टीम में जरूर पिक करना, आज के मैच में 2 विकेट भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस टीम के लिए मतलब ओपनर प्लस डेथ बॉलर है, तो ऐसे बॉलर्स को हम बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते। कैप्सी हमारी टीम में रहेगी, क्यों? क्योंकि बैटिंग भी टॉप पर करती है, प्लस ये विकेट से भी पॉइंट दे सकती है, तो आई थिंक हमारी टीम में ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। राधा यादव है, पिछले मैच में 2 ही ओवर किए लेकिन आप एक दो ग्रैंड लीग टीम में इनको जरूर एज ए प्लेयर पिक करना। ओके, तो अब हम बात करते हैं दूसरी टीम की पॉसिबल लाइनअप क्या हो सकती है और इसका बैटिंग ऑर्डर क्या है। दोस्त अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इसी प्रकार की इसी चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, अब हम बात करते हैं यूपी वॉरियर्स की वुमेन्स की जो पॉसिबल लाइनअप है विद बैटिंग ऑर्डर के साथ, एलिसा हेली और यहाँ से स्वेटा सहरावत इस टीम के लिए एज ए ओपनिंग करते नजर आते हैं, लेकिन एलिसा हेली को मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से एक बेहतर विकल्प मानता हूँ, तो इनको इसलिए पिक कर चलूँगा। मैं सहरावत को ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। किरण नावगिरी है, इस टीम के लिए पहले मैच में ही 53 रन की पारी खेली, तो काफ़ी लंबी इनिंग खेली और आप ऐसे प्लेयर से भरोसा कर सकते हो, जो अगर आपने इसका मैच देखा होगा ना तो आपने देखो कितना टेक्निकली परफॉर्मेंस किया था, मतलब हर बॉल को कितने अच्छे से इसने मैनेज किया था, तो आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन है। ताइलम मैगरा, तो वो बात अलग है, पिछले मैच पर डक पर हो गई थी, लेकिन ये एक ऐसी बैटर और बॉलर है जो आपको ऑलराउंडर भूमिका दे सकती है। वाइस कैप्टन आप बना सकते हो दीप्ति शर्मा, जो कि आपको थर्ड डाउन खेलती नजर आएगी, कैप्टन वाइस कैप्टन दे सकते हो, कंप्लीट अपने खाते के 4 ओवर भी करेगी। ऐसा नहीं कि बैटिंग नहीं करती, बहुत अच्छे से कर लेती है। ओके, ग्रेस हैरिस है जो कि 59 रन बनाए और आप मान सकते हो फिर भी एक टॉप ऑर्डर में है। आपने एक चीज़ हमें से नोट करना क्रिकेट में, ओके, पहले जो ओपनर होते हैं उनको आप एज ए प्लेयर मत मानना, मेरा मानना जो है मैं अपनी टीम क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर जो फर्स्ट विकेट होती है वो यहाँ पर आप मान लो, ये तो कन्फर्म होता है कि ओपनिंग में सिर्फ एक विकेट गिरती ही गिरती है, तो यहाँ पर एक हो गई, फिर ताहिला वगैरह 2 हो गई। ओके, तो यहाँ से दीप्ति शर्मा पा गई 3 विकेट, फिर यहाँ से ग्रेस हैरिस 4 विकेट, तो इतना बैटिंग ऑर्डर डाउन नहीं है ग्रेस हैरिस का। 4th विकेट गिरने के बाद आपको ये देखने मिलेगी, कोई ज़्यादा विकेट गिरने की जरूरत नहीं है। आप T20 में लॉजिकली खेलोगे ना तब आपका कभी लॉस नहीं होगा। फिर यहाँ से सिमरन शेख है, देविका वैद्या है, सोफी इक्लस्टोन है, अंजलि शर्वानी है, राधा यहाँ से गायकवाड़ है, तो ये बॉलिंग सेक्शन में ऑप्शन देखने मिलेंगे। इनमें से कौन कौन से बेहतर विकल्प रहेंगे वो आपको जब बॉलिंग स्टेट दिखाऊंगा तब आप इनमें से इजीली पिक कर सकते हो, लेकिन बैटिंग सेक्शन में एलिसा हेली और यहाँ से किरण को मैं अपनी टीम में जरूर पिक करने वाला हूँ, ताहिला मैगराथ को पिक करूँगा, दीप्ति शर्मा को पिक करेंगे और ग्रेस हैरी की
हैरिस को भी लेंगे क्योंकि ये कभी कभी बॉलिंग कर लेती है। ओके, अब हम बात करते हैं ओपनर बॉलर इस टीम की तरफ से। तो दोस्त मैं आपके लिए बता दूं, ओपनर बॉलर राजेश्वरी गायकवाड़ एज ए ओपनर बॉलर है, अंजलि शर्वानी इसमें आपको ओपनिंग बॉलिंग करते नजर आएगी, लेकिन डेथ में आपको वही प्लेयर्स देखने मिलेंगे जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे। जैसे दीप्ति है, अंजलि है, सोफी इक्लस्टोन जो कि वर्ल्ड क्लास बेहतर बॉलर है फिलहाल के टाइम पर। फिर यहाँ पर बॉलिंग स्टेट में आप देख सकते हो कि कौन सा बॉलर ने कितने ओवर किए हैं और कौन कौन से ओवर किए हैं, तो यहाँ पर आपको मैंने सारे मेंशन किए हैं। राजेश्वर गायकवाड़ ने चार ओवर के पिछले मैच में लेकिन विकेट लेस ली, लेकिन इसने फर्स्ट ओवर, थर्ड ओवर, 10th और 13th ओवर किया था, तो यहाँ से पता चलता है कि ये अपने 13 ओवर में ही अपने खाते कंप्लीट चार ओवर कर देती है। अंजलि ने पिछले मैच में चार ओवर के लिए एक विकेट निकाली, 2, 6, 6, 15, 18 में ऐसे ओवर किया, 18 में ओवर किया, तो इसका मतलब डेथ में बॉलिंग कर लेती हैं, चांसेस बन जाते हैं, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग ऑर्डर इतनी स्ट्रॉन्ग है तो शायद विकेट ना दे पाए। दीप्ति शर्मा ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और यहाँ सोफी इक्लस्टोन ऑब्वियसली, क्योंकि ये बॉलिंग से भी और बैटिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं। इक्लस्टोन का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा डाउन जरूर है, लेकिन इसकी बैटिंग आने पर यह आपको 20-25 रन बना के दे भी सकते हैं और हिटिंग के लिए प्रमोट भी किया जा सकता है। ताइला मैगरा तो मैंने बताया कि ये बॉलिंग भी करती है तो विकेट भी निकालती है, ऐसा नहीं कि विकेट नहीं निकालती, तो इनको पिक करेंगे। देविक वैद्य है, मैच को ज़्यादा सजेस्ट अभी के लिए नहीं करता हूँ। ओके, तो बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास कुछ ही विकल्प निकल कर आते हैं। पहली चॉइस दीप्ति शर्मा, सेकेंड चॉइस इक्लस्टोन, थर्ड चॉइस हमारी ताइला मैगरा, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के टॉप ऑर्डर को में से एक दो विकेट निकाल सकते हैं, तो इन बॉलर्स को लेकर चलेंगे। ग्रैंड लीग में आप ट्राई करना राजेश्वरी गायकवाड़ और अंजलि शर्वानी, इन दोनों प्लेयर्स को अलग अलग टीम में अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से पिक करना। आप ये मान लो कि ये इस टीम तरफ से एज ए ओपनर बॉलर हैं, अगर आपको लगता है कि दूसरी टीम की विकेट जल्दी गिरेगी तब आप इनमें से किसी एक को ले सकते हो, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से गायकवाड़ को ले। ओके, तो ये कुछ आपको बॉलिंग स्टैट्स देखने मिला है यूपी वॉरियर्स की तरफ से। तो फाइनली अब बात आती है कि इस मैच में हमारी क्या टीम क्रिएट होती है, कौन कौन से प्लेयर हमारी टीम में इंपॉर्टेंट रहेंगे, किस प्लेयर को कैप्टन, किस प्लेयर को वाइस कैप्टन देना। तो चलिए अब हम नज़र डालते हैं इस मैच की ड्रीम इलेवन टीम पर और इस वीडियो को सेकंड बेस्ट पार्ट पर, जहां पर मैं आपके लिए हर एक प्लेयर्स के बारे में पूरी जानकारी डिटेल्स में दूंगा। तो चलिए नज़र डालते हैं टीम पर। तो सबसे पहले हम बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो हमारे पास ऑप्शन दो हैं इस वे यहाँ पर सेक्शन में, अलीशा हेली और यहाँ तानिया भाटिया, दोनों आपको एज ए विकेट कीपिंग करते नजर आएंगे और बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी पहली चॉइस अलीशा हेली रहेगी जो कि एक ओपनर बॉलर है, ओपनर बैट्समैन है और विकेट कीपिंग करते नजर आएगी। तानिया भाटिया का बैटिंग ऑर्डर भी काफ़ी डाउन है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो, वैसे भी दिल्ली का जो बैटिंग है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो शायद इसकी बैटिंग भी ना आए, तो इसलिए मैं अलीशा हेली को पिक करना हुआ। बात करें बैटिंग सेक्शन में तो मेरी पहली चॉइस मैग लैनिंग, जिसने पिछले मैच में ही काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया था टीम के लिए, तो इसलिए हम इनको जरूर टीम में ट्राई करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जमीमा रोड्रिगोज, जो कि इस टीम के लिए फर्स्ट डाउन करते नजर आएगी, तो इनको भी पिक करके चलेंगे। अब आपको यहाँ से ग्रेस हैरिस को लेना है अगर लोग, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर तो मैंने आपके लिए बताया, फोर्थ डाउन पर बैटिंग करेगी और आपको एक दो ओवर कर भी सकती है, लेकिन पिछले मैच में नहीं किए। यहाँ पर नेवगिरे ने पिछले मैच में फर्स्ट डाउन की बैटिंग और काफ़ी टेक्निकली परफॉर्मेंस किया था, तो मैं शायद इनको भी लेकर चलूँगा। कैप्सी है, बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से पॉइंट देगी, तो इसलिए इनको भी ड्रॉप नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पर शेरावत है, शाइका है, बाकी मैं इनमें से किसी को अभी के लिए पिक करके नहीं गया हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा हमने बैटिंग सेक्शन में प्लेयर्स को चूज कर लिया, लेकिन अब हम बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी ज़्यादा विकल्प देखने मिलेंगे। सैफाली वर्मा है, दीप्ति शर्मा है, मैरिजिना काफ है, ताहिला मैगरात है, ड्रॉप किसी को भी नहीं कर सकते। वो बात अलग है, यहां पर आपको ताहिला मैगरात के पिछले मैच में इतने अच्छे खासे रन बनते नहीं आए, लेकिन बॉलिंग से तो पॉइंट देगी ना, तो इसलिए पिक करेंगे, इन प्लेयर्स को ड्रॉप नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा है, किस किस को पिक करें, लेकिन हमने एक चीज़ देखी, दिल्ली कैपिटल्स की जो बैटिंग ऑर्डर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो शायद विकेट ना गिर पाए, तो इसलिए मैं पहली चॉइस तारा नॉरिस को देता हूँ। क्यों? क्योंकि तारा नॉरिस ने पिछले मैच में चार विकेट निकाले और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास रहेगी कि आज के मैच में भी विकेट निकाले, जैसे कल मैच में शाइखा का आज विकेट आए थे दो, तो उसी तरह आपको आज के मैच में इसका विकेट मिल आएगा। यहाँ देखो सोफी इक्लस्टोन को बहुत ज़्यादा मन है मेरे लेने का, अब इसको किसके रिप्लेसमेंट में लूँ वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। अब देखो हमारे पास यहाँ पर देखो किन किसको ड्रॉप करूँ, गैरिस को कर सकता हूँ, सिर्फ मेरे पास ऑप्शन है गैरिस को कर सकते हैं, यूपी की तरफ से बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा डाउन है, आप चाहे तो नवगिरे को ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन दोनों मुझे ना नवगिरे ने पिछले मैच काफ़ी इंप्रेसिव लगा इसका,
तो मैं इनको इसलिए ड्रॉप नहीं करा। और गैरिस, और जो गैरिस है ये इस टीम की मिडल ऑर्डर को संभालेगी, तो मुझे लगता है कि इसका भी कहीं ना कहीं पॉइंट आ ही जाएंगे और इसका कम से कम 20 रन तो इस मैच में मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। तो 20 रन तो इसका मतलब है 30 पॉइंट तो दी जाएगी, 30 पॉइंट आपको यहाँ पर एक स्टोन देखी नजर आएगी। एक विकेट निकाल सकती है, 15-20 रन बना सकती है, ये थोड़ा सा एडवांटेज है। अब देखो आप किसको चूज करते हो इन दो में से। अभी के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पर हैरिस को लेकर चलता हूँ, लेकिन टॉस के बाद जरूर मैं अपनी टीम में दो प्लेयर्स को एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा, इकलस्टोन और मेरे यहाँ पर जेस जोनासन। इन दोनों को मैं लेने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा अपनी टीम में, लेकिन अभी के लिए इन दोनों को मैं नहीं पिक कर पाया हूँ, तो ये मेरी टीम का प्रीव्यू निकल कर आता है। लेकिन याद रहे ये फुटबॉल जेस टाइप की टीम बन चुकी है, 5-5-4 का कॉम्बिनेशन है। तो कैप्टनसी की बात की जाए ना, तो मेरी टीम में कैप्टनसी अभी के लिए जो रहने वाली इस मैच में मैरिजना काप है। और वाइस कैप्टन आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा मैं किसको दूं, मैं अपनी टीम में वाइस कैप्टन ताइलम मैगराथ को देकर चला हूं। वो बात अलग है, पिछले मैच में रन नहीं बनाए, लेकिन ये डेथ में बॉलिंग कर सकती है और रन भी अच्छा खासा बना सकती हैं। दीप्ति शर्मा को आप वाइस कैप्टन दे सकते हो, ऑब्वियसली बैटिंग ऑर्डर भी आपको जल्दी है और बॉलिंग से भी पॉइंट दे सकती है। सैफ अली वर्मा बॉलिंग तो नहीं करती, कभी कभी करती है, स्पिनर्स बॉलर है, लेकिन विकेट ले सकती है। मैं ज़्यादा सजेस्ट इनको वाइस कैप्टन के लिए नहीं करता, बल्कि मेरे पास ऑप्शन अगर कोई नेक्स्ट बल्लेबाज में अगर किसी भरोसा किया जा सकता है ना, मुझे लगता है कि मैग लैनिंग और यहाँ से जेमिमा रोड्रिगेज, जिन पर हम आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि ये 30-35 रन हर मैच में बना सकते हैं। तो आई थिंक जो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑफ विकल्प है वो मैंने अपनी टीम में अभी के लिए चूज किए हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, ये दो, तो इनको मैंने अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया। तो थैंक यू सो मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस मैच की फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब देखो बॉलिंग सेक्शन हमारे पास ऑप्शन तो हैं, लेकिन यार वही बात है कि किसको ड्रॉप करें। अगर आपको हैरिस को और नेवगिरे को नहीं लेना, तब आप यहाँ पर इकलस्टोन और यहाँ पर आपको जेस जोनासन मिल जाएगी, तो आप उन दोनों को तब पिक कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रहे, दिल्ली कैपिटल्स इस मैच में एक स्ट्रॉन्ग टीम है, तो स्ट्रॉन्ग टीम इसका मतलब है कि उसके बॉलर्स को लेना थोड़ा संभाल कर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।